तहसील के जैतपुर मुरारी रोड स्थित भुमारी पहाड़िया पे बुंदेलखंड जोन के वन रक्षक द्वारा वृक्ष लगा के कार्यक्रम की करी गई शुरुआत। उत्तर प्रदेश में पर्यावरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य का लेके सीएम योगी के निर्देश पे समझे उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव कार्यक्रम के तहत 35 करोड़ पौधा रोपण करने को लक्ष्य रखो गयो है। जिका लेके बुंदेलखंड जोन के वन रक्षक पीपी सिंह ने महोबा जनपद के जैतपुर के मुरारी रोड स्थित भुमारी पहाड़ी पे पहुँच के पीपल को पेड़ लगाओ कार्यक्रम की शुरुआत करी है। इस दौरान पीपी सिंह द्वारा पीपल को पेड़ लगाते ही ब्रह्म कुमारी की बहने और प्रशासनिक अधिकारी ने वृक्षारोपण का बढ़ावा देवे को संकल्प लेते हुए 22,000 पौधा रोपित करने को लक्ष्य रखो है। आपको बता दें कि बुंदेलखंड वन रक्षक पीपी सिंह ने बताया कि देश में पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का लेके सरकार हर वर्ष करोड़न पेड़ लगावे को संकल्प ले। सरकार को उद्देश्य है कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर प्रकृति के बढ़त पर्यावरण प्रदूषण का नियंत्रण करो जा सके और जय वजह है कि सरकार ने हर वर्ष वृक्षारोपण का बढ़ावे को संकल्प लो है। वन महोत्सव कार्यक्रम के तहत प्रदेश में 35 करोड़ पौधा रोपित करने को सीएम योगी ने सभी का लक्ष्य दौ है। ये मौका पे स्कूल के बच्चा और ग्रामीण ने पौधा लगावे में बढ़ चढ़ के हिस्सा लो है। देखिए प्रत्येक वर्ष जो है जुलाई महीने का 1 तारीख से लेकर 7 तारीख जो सप्ताह होता है उसको वन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो इस साल जो है कुछ विशेष प्रकार का हम लोग वन महोत्सव मना रहे हैं और 5 तारीख से हम लोग का शुभारंभ हुआ और 6 तारीख को फिर 7 तारीख को हम लोग आज जो है उसमें पूरे हिंदुस्तान में 75 नगर वन नगर वाटिका चयनित किया गया है और 75 साइट जो है अलग अलग स्तर के वन अधिकारी जो फॉरेस्ट ऑफिसर से उसको गोद ली है। तो कुल मिला के 150 साइट में पूरे हिंदुस्तान में ये वृक्षारोपण आज कराया जा रहा है और इसका जो है नई दिल्ली में जो हम लोग का कैपिटल राजधानी है वहाँ पर जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जो है इस वृक्षारोपण कार्यक्रम का उद्घाटन कर रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में इस कार्यक्रम का लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है। पूरा हिंदुस्तान उसको देख रहा है कि इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है। तो कुल मिला के 150 क्षेत्र में हम लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं और आगे हम आपको बता दें इस क्षेत्र के बारे में। इस क्षेत्र को जैसे हम मुख्यमंत्री संरक्षक बुंदेलखंड झांसी में बैठते हैं तो हमने इसको गोद लिया है। तो ये हमारा गोद लिया हुआ क्षेत्र है तो उसमें कुल मिला के 22,000 पौधा हम लोग लगाएंगे, 10,000 गड्ढा खोद के लगाएंगे और 12,000 जो है आपका बीज बुआ से होगा। तो 10,000 जो गड्ढा खोद के जो आज उसका वृक्षारोपण कर रहे हैं आप लोग भी लगाए, बच्चे महिला पुरुष सब लोग आए हैं यहाँ पर। तो आज ये कार्यक्रम इसलिए स्पेशल है, इसको हम लोग आयोजित कर रहे हैं। थैंक यू सर। खास खबर बुंदेलखंड चुपल के संवाददाता अजय व्यास की। ऐसे ही खबरें जानने के लिए बने रहना सिर्फ बुंदेलखंड चुपल पे शिवांगी तिवारी के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल का लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद। जय राम जी की। जय बुंदेलखंड।